भाई इसीलिए है कि जो मैं कहता हूं वही करो। अगर इस कलयुग का मैं नहीं बताऊंगा मुझे बहुत गुस्सा ये करूंगा। मैंने एक बार कह दिया ये कोई साधु महात्मा को तप नहीं करने देगा किसी का पूजा प्रतिष्ठा ये कलयुग शुद्ध नहीं होने देगा। ये कलयुग कह दिया है। मैंने बोला कि मैं 28 भर नरक नहीं भर सकता हूँ। ये कलयुग कहता है कि मैं 2800 नरक मैं भरूंगा। ये कलयुग बस क्या बोला है इस शब्द मार पर कौन सा सुना चलता है जो कभी नहीं झूठ बोलते वो कौन है। देखो मैं नहीं झूठ बोला हूँ और नहीं बोलता हूँ लेकिन एक कलयुग आज मुझसे झूठ बोला रहा है। एक कलयुग शक्ति मार्ग पर चलते हैं जिसका घर पड़ता है काशी में जिसका नाम विश्व पंडित है वही शक्ति मार्ग पर भेद है जो सबकी मांग पर चलते हैं वो सुंदरी है वो पति भरता है लेकिन सारा वक्त ये हमसे झूठ बोला लेगा। हे कलयुग सबसे सुंदरी नारी जिसकी नहीं हार नैना पड़ती है सासुर राज मोहब्बा पड़ता है लेकिन जिसका नाम सोना है वही सबसे अच्छा। और ये भी बताओ क्या पति व्यक्ति नारी कौन है सती कौन है उसे बताओ। एक कलयुग आज मुझसे जितना सत्य मार्ग पर चलते हैं सबकी मुझे झूठ बोला लेगा। हे कलयुग कि सबसे सुंदरी नारी जिसका नैहर राग मोरन पड़ता है सासुर राग मोहब्बा पड़ता है अच्छा जिसका नाम फूला है वही सुंदरी नारी है जिसकी सबसे नैन से प्रकाश निकलती है। नाम नहीं सुनिए नहीं तो तेरा मस्तक
देखो, सबसे ईमानी राजा राज मोहब्बा जिसका नाम उदयचंद है, वही सबसे ईमानी Ah!
सबको मस्तक उठाकर शर्मा गया है। मैं बत्ती दे रहता हूं, मां की गर्भ में जो बच्चा है वो मस्तक में सवार हूं। आप लोगों को यकीन नहीं होते होंगे कैसे गर्भ में कलयुग प्रवेश कर रहा है। जब गर्भ में बच्चा रहते हैं उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है, रीच गर्भपाली को श्रीच दिया जाता है, वह श्रीच को तालाब बच्चा को प्रवेश करता है। Come on!
पीछा लगा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे जब मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा। पंडित का कर्तव्य होता है पूजा पाठ करना, जजमान से दक्षिणा ले आकर के बाल बच्चे को खिलाना। अब मैं किधर जाऊं, फिर भी मैं अपने जान को बचाता हूं। क्या के लिए बठियानी वाला सत्यनारायण भगवान के पूजा मानल छाई पंडित मिलते जल्दी लाग वाला अपने घाट पर जा करके बैठ जाता हूँ। कोई जजमान आएंगे फिर मैं उसको पूजा पाठ कराने जाऊंगा। मैं कलयुग धारण कर इस पंडित को
पूजा को नष्ट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। बात किया 2000 रुपया दिया 3000 रुपया बाकी है इसे हमें पैसा मंगा दीजिए हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे ये पंडित ये बताइए ये लड़की जो कह रही है क्या ये सच है? अगर झूठा ही जाम लगा दी तो कोरोना वायरस घुस जाएगा। देखो दीदी आप हमें बात पे मान लीजिए ये पूरा नाम माता दिया Yeah.
पैसा मिल जाएगा, ठीक ना। पहले मुझे इस पंडित से बात करने दो। पंडित जी, सारी जनता को आप बेवकूफ समझ रहे हैं। आप मीट मछली सर आप दारू पीते हैं और आते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने। मैं समझ गया यह जो है इसके ऊपर कलयुग सवार है जो कि मिथ्या भाषण कर रहा है। मैं कलयुग में जो कुछ नहीं जानती हूँ। अरे सभी सुनो, ये पंडित होते बात है। मैं दुर्गा की रूप धारण करूंगा, सोना की रूख में चढ़ा।